आज के इस वीडियो में विज्ञान यानी साइंस जीके का चौथा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं और यहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चार विकल्प, आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपके विकल्प है वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग या फिर त्वरण। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा, तो सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और कह रहा है कि वेग का अनुपात यानी कि वेग का अनुपात। अगर इसको हम देखें तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा द्रव्यमान, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। जो रॉकेट काम करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। M1 V1 बराबर है M2 V2, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया। न्यूटन ने ही बताया कि धरती में कोई ना कोई ऐसा बल है जो कि प्रत्येक वस्तु को अपने तरफ खींचता है, और उसका नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसको हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको लगभग में 10 भी लिखा जाता है। पास्कल इकाई है किसकी, पास्कल इकाई है किसकी। आपके विकल्प हैं दाब, वर्षा, आर्द्रता या फिर तापमान। सही उत्तर है दाब का। जब हम दाब को नापते हैं, प्रेशर को नापते हैं, तो इसको हम मापते हैं पास्कल में। अगला है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, उसी लिए हम 5 सेकंड रुक रहे हैं। देखिए, क्यूसेक की बात करें तो क्यूसेक से हम नापते हैं जल का बहाव। जैसे कि जब नदियों में पानी छोड़ा जाता है या फिर नदियों से नहरों में या फिर कहीं तरफ कहीं भी, तो वहां पे जो उसका काउंटिंग की जाती है क्यूसेक में काउंटिंग की जाती है, तो ये होता है क्यूसेक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। यह है स्टील। अगला है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है। तो इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, खोज की थी न्यूटन ने। अगला है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, मतलब कि लगभग बराबर है। तो ये है 1/6, यानी कि अगर यहाँ पे आपका धरती पर वजन 60 किलोग्राम है, तो आप चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि बात करें अगर W की, तो W को हम कहते हैं भार, जिसको हम किलोग्राम में काउंट कर रहे हैं, और एक होता है M जो होता है द्रव्यमान। तो W बराबर MG होता है, यानी आप देख रहे हैं कि जी का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब आर्कमिडीज के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि न्यूटन के पहले नियम को, जो न्यूटन के गति का पहला नियम है, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसी तरह जो आर्कमिडीज का नियम है उसको हम प्लवन का नियम कहते हैं। आर्कमिडीज का नियम आपने पढ़ा होगा, जब किसी वस्तु को पूर्ण या फिर आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो वस्तु के भार में कमी महसूस होती है, वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। अगला है कि श्यानता किसकी इकाई है। श्यानता,
दो से तीन सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इसका ये है पॉइज, जो पॉइज है इसको हम मापते हैं स्यांता में। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं ऐप पे जाके। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल्ब काम करता है? जैसे शहरों में जो दूध मिलता है उसमें कई दूध ऐसे होते हैं जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया होता है, तो ये जो मक्खन निकालने की प्रक्रिया है उसमें कौन सा बल लगाया जाता है यही पूछा गया है। ये होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अगला है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी कहिए या फिर कोई खिलौना कहिए, जैसे कि अगर आप उदाहरण ले कार की, तो कार में क्या होता है कि जो बच्चों वाली खिलौने वाली कार होती है उसमें चाबी भरने पर, तब तक जब तक चाबी को भर रहे हैं आप गाड़ी को पकड़े हुए, तब तक गाड़ी रुकी हुई है, जो ही इसको छोड़ा जाता है ये गाड़ी चलने लगती है ऑटोमेटिक। तो जो इसमें ऊर्जा है ये रहती है पहले स्थितिज ऊर्जा, बाद में जो ही हम इसको छोड़ते हैं ये कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता, तो ऊर्जा का केवल रूप बदल जाता है। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो इसका फार्मूला होता है MgH। MgH पहले रहता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है क्यों? जैसे सूर्य से अथाह ऊर्जा निकल रही है, सबको मिल भी रही है, तो ये क्यों ऊर्जा निकलती है? ये निकलती है नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन मतलब कि जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना दे, वहां पर एक बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसका एक उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, तो ये नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन मतलब कि जुड़ना। अगर सूर्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है। अगला है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो यह है बादलों का घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि अगर हम मात्रा को बदल दें तब भी उसका क्या नहीं बदलेगा? यह है आपका घनत्व, क्योंकि बदलेंगे तो आयतन तो बदलेगा ही, द्रव्यमान भी बदलेगा, भार भी बदलेगा, लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो पहले ये जो द्रव्यमान आयतन था बाद में कम होगा उसी रेशियो से, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगला है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के गति के तीन नियम होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो जल में तैरने की बात की जा रही है या न्यूटन के किस के नियम के तहत हो सकता है। तो देखिए ये होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पानी में हम जब पानी को पीछे धक्का देते हैं तो बदले में पानी हमको आगे भेजता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कमेंट करके बताइए, उसका जो फार्मूला है वही कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है, तो वेग तो सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। आपका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। अगला है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है ये आपको बताना है। जैसे अगर आप यूज कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम का तो क्या मापना होगा जब एंगस्ट्रॉम का यूज होगा? तो यहाँ पे हम मापते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस करके पिघला दिया? तुरंत 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आपके सामने विकल्प भी है, तो आपको बताना था कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में मिला दिया, तो यह किया गया था डेवी के द्वारा। अगला है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया?
ये दिया गया था राम फोर्ड के द्वारा। ये राम फोर्ड नहीं है, ये रदर फोर्ड है। अगला है कि इस लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ये होता है पृष्ठ तनाव। जैसे कि कोई कोई लोहा है तो तैर रहा है, सुई अगर डालेंगे तो नहीं तैरेगी, तो ये क्यों होता है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें हम बात करेंगे तो ये होगा पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व इनमें से सबसे कम है। अगला है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का टेस्ट देना तो आपको ऐप पे जाना होगा, वहां जाकर आप टेस्ट दे पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ये होता है 746 वाट। अगला है कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? जैसे बर्नौली का प्रमेय में क्या बताया जाता है? संवेग संरक्षण बिल्कुल नहीं, आवेश संरक्षण बिल्कुल नहीं, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात की जाती है बर्नौली के प्रमेय में, यानी कि पहला वाला विकल्प सही होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? अगर कोई बर्फ है और वहां पे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जो उसका जो गलनांक था जिस पे वो पहले गल रहा था, उस पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? तो ये घट जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।